पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संडे वाले दिन में आपके कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं उनकी रिप्लाई करती हूँ, कुछ के सेम टाइम टेक्स्ट कर देती हूँ। किसी के मैसेजेस की रिप्लाई करना अगर रह जाता है तो प्लीज़ उसको आप माइंड मत करिए, क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि मैम आप तो रिप्लाई ही नहीं करती हैं। देखिए, पॉसिबल नहीं हो पाता है, 100 से ऊपर और ज़्यादा कमेंट्स हो जाती हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक डे में सब कमेंट्स का रिप्लाई कर पाएँ। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स को दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जैसा ही मौका मिलेगा मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई डेफिनेटली कर दूँगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट कमेंट से आज की वीडियो में। सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सारी वीडियो आप पूरी देखिए। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि इन जवाबों में से कुछ आपको आपके बच्चे से रिलेटेड मिल जाए जो कि आपको हेल्प करे। तो सारे कमेंट्स के रिप्लाई आप देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला कमेंट्स मैं ले रही हूँ जिनका कि नाम क्लियर नहीं है, FJJFJDNFJJF करके इनका आईडी है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम। हेलो, जो भी हैं आपने क्वेश्चन पूछा है, मैम प्लीज़ आप बता दें कि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और 4 मंथ हो गए हैं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है, प्लीज़ कुछ बताएं कि क्या कर सकती हूँ, ऐसा क्या खाऊं कि बॉडी पेन और कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। तो डियर, देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हमारी डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन, दोनों में ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो नॉर्मल में हम बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, 1 वीक में हम अच्छे से हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा जो सी सेक्शन होता है उसमें हमें कमज़ोरी बनी रहती है, क्योंकि हम उसमें ठीक से उठ बैठ नहीं सकते और कुछ खाने पीने के लिए भी हमें डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपने जो स्टिचेस हैं वो ठीक करने होते हैं। तो ऐसे में देखिए, आप जितना हो सकता है ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ठीक है। आपके डॉक्टर ने आपको डिलीवरी के बाद भी कुछ टैबलेट्स दी होंगी, जैसे हीमोग्लोबिन की दी होगी, आयरन की दी होगी, कैल्शियम की दी होगी, तो उनको कंटिन्यू रखिए। दूध बराबर पीती रहिए, दलिया खाइए, दूध के साथ आप दलिया खाइए, ठीक है। और जितना हो सकता है ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़रूर लीजिए, इससे क्या होगा आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी और आपको जल्दी बॉडी रिकवरिंग में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप अगर कंफर्टेबल हैं बैठने में चलने में, तो आप अपनी बॉडी मसाज ज़रूर करवाएं, गुनगुना पानी पिए, जितना हो सकता है गुनगुना पानी पिए, फुल टाइम आप गुनगुना पानी पीजिए, उससे आपकी जो इम्यूनिटी है स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपकी जो वीकनेस है वो ख़त्म होगी। तो गर्म पानी आप ज़रूर पीते रहिए। मैंने बताया मसाज, आप ये आपका जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें लहसुन की 2-3 कलियाँ अच्छे से भून लीजिए और उस तेल से आप अपनी बॉडी मसाज करिए। उससे क्या होगा कि आपके जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, और जो आपकी स्किन है जो लूज़ हो गई, और जो आपके अंदर थकावट है, और जो आपकी बोन्स में पेन है, वो सारी चीज़ों में आपको रिलैक्स मिलेगा। तो आप अपने जो शोल्डर्स हैं, थाइज हैं, नीज़ हैं, लेग्स हैं, इनके अच्छे से मसाज करवाइए, जितना हो सकता है कमर की करवाइए। आप अगर बैठने में ठीक हैं और आपके पेट पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके स्टिचेस हैं, तो इस बात का बेहद ध्यान रखिए। आप कंफर्टेबल हैं तो मसाज आप ज़रूर करवाइएगा, इससे क्या होगा आप धीरे धीरे अपने बॉडी में इम्प्रूव देखने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत सोचिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धा सिंह। हेलो श्रद्धा, हाउ आर यू। एंड आपने पूछा है, मैम एक ही बार पॉटी करती थी बट उसे मैं एक ग्राइव वाटर दिया है और उसी दिन से उसे फटे फटे से दाने जैसे और आम आने लगी है पॉटी में, तो मैं डॉक्टर से पूछा, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखी दी है, वो सही है, दूध भी पीती है सब कुछ, बट उसे 2-3 बार पॉटी दिन में आ जाती है, क्या ये सही है। और दूसरा है आपका, और उसको दोनों तरफ और सामने ऊपर मुझे कुछ वाइट सा लगता है, क्या ये, मैम प्लीज़ रिप्लाई। सब कह रहे हैं कि ये इतनी जल्दी अगर दांत हुए तो ये निकलने अच्छे नहीं होते, अपशगुन होता है, प्लीज़ हेल्प। मैम कुछ बताएं, क्या ये सब ऐसा ही बोलते हैं। और ये आपके 2 कमेंट्स हैं। देखिए श्रद्धा जी, पॉटी से रिलेटेड बच्चे को 5 से 6 महीने तक बहुत सारी दिक्कतें बनी रहती हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चा माँ के ही फीड पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। उस कंडीशन में जो भी माँ खाती हैं, अगर माँ ने बहुत ज़्यादा खट्टा खा लिया
तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, या कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खा ली तो बच्चे की पॉटी का कलर भी चेंज हो सकता है। बच्चे फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, बच्चा काऊ मिल्क पीते हैं, तो बच्चे की पॉटी में स्मेल आ सकती है, बच्चे की जो पॉटी स्टिकी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कभी कभी वाटरी पॉटी भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये 5-6 महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है, लेकिन बच्चे जब सॉलिड फूड खाने लगता है तो उसकी पॉटी में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, बच्चे की पॉटी की कलर बदलते रहेंगे, बच्चे की पॉटी हार्ड भी आ सकती है कि बच्चा जब पॉटी पास करेगा तो वो कर नहीं पाएगा, बहुत जोर लगाएगा और हो सकता है वो रोना शुरू कर दे क्योंकि उसकी पॉटी पास नहीं हो पा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल मत घबराइए, ये बहुत नॉर्मल है। मेन चीज़ ये होती है कि आपका बच्चा बराबर यूरिन पास कर रहा है, आपका बच्चा डेली पॉटी कर रहा है, एक दिन छोड़ के भी कर रहा है, 2 दिन या 3 दिन भी छोड़ के करता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या एक दिन में 4-5 बार पॉटी कर लेता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बच्चों के साथ होता है और नॉर्मल है, इसमें आप बिल्कुल भी मत घबराइए। दूसरा, आपने कमेंट किया है कि बच्चे के अगर समय से पहले दांत निकल आते हैं, वैसे तो देखिए 5 या 6वें महीने से बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब जो आप देखोगे कुछ बच्चों के 4थे और 5वें महीने से ही उनके जो मसूड़े वो फूलने लगते हैं और उनकी टीथिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा लार टपकने लगती है, बहुत ज़्यादा लार टपकती है। तो ये सी जो चेंजेस हैं, जेनेटिकली चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसको इस चीज़ से बिल्कुल मत जोड़िए कि ये शगुन अपशगुन है। ठीक है, ये इसलिए बोला जाता है कि शगुन अपशगुन ये एक लोगों ने अपने मानसिक तौर पर ये बना लिया है कि जल्दी निकल आएंगे तो अपशगुन हो जाएगा। नहीं, ऐसा होता है कि जब चीज़ जल्दी जो टाइम से नहीं हो रही वो पहले हो रही है तो बच्चे को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन, क्योंकि वो उसकी बॉडी अभी प्रिपेयर नहीं है ना दांत निकलने के लिए, तो ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसको प्लीज़ शगुन अपशगुन से मत जोड़िए, अगर बच्चे के जल्दी निकलने लग गए हैं तो जितना हो सकता है आप उसको अपनी फीडिंग कराइए, उसे बहुत आराम मिलेगा, लिक्विड दीजिए आप, मेरी जो एक वीडियो है सौंफ के पानी की वो दे उसको देखिए और उस पानी को आप बच्चे को दीजिए, जब तक उसके दांत निकलते रहें बच्चे में पानी की कमी नहीं होगी और बड़े आराम से बच्चे के दांत निकल आएंगे। और क्या केयर करनी चाहिए सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगी, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर हर टॉपिक पर सर्च कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना राघव। हेलो हेलो मैम, मेरी दूसरी डिलीवरी है, पहली डिलीवरी में पेट निकल गया था, अब सेकंड डिलीवरी में कम हो जाएगा? देखिए सपना जी, ऐसा श्योर नहीं है कि आपका पहले का टमी निकला हुआ है तो अब जब जो आपकी डिलीवरी होगी उसमें कम हो जाएगा, बट हाँ आप अगर एफर्ट्स करती हैं, आप कोशिश करती हैं, रेगुलरिटी बना के रखेंगी हर चीज़ में तो आपकी वो चीज़ कम हो जाएगी। कम कैसे होगी? आपको रेगुलर पानी पीना पड़ेगा, गरम हल्का गुनगुना गरम पानी आपको पीना पड़ेगा, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी लीजिए, उसे गरम करिए, उसमें आधा नींबू, 1 चम्मच हनी और अदरक का रस मिलाइए, उसे अच्छे से बॉईल करिए, काढ़ा सा बन जाए तो उसको आप डेली खाली पेट सुबह पीजिए। एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, आप कपाल भाती करिए, अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा टाँके नहीं आए, जब आप अपने आप को हेल्दी महसूस करें कि हाँ आप फिजिकली आप फिट हैं, तब आप कपाल भाती, अनुलोम विलोम ये सारे एक्सरसाइज करिए, जितना हो सकता है वॉक करिए, उससे ये फिर धीरे 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 आपका कम होगा। अगर आप ये सोचें कि मैं महीने 2 महीने 3 महीने कर लूँ और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो देखिए कुछ भी आपको पाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और उस चीज़ को आपको अपने कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा, मीन्स रेगुलर आपको करना पड़ेगा, तो आपको ज़रूर इम्प्रूव मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्ति जायसवाल। हेलो दीप्ति मैम, मेरी बेटी 7 महीने की है, वो ना तो बोतल से दूध पीती है ना चम्मच से पीती है, मैं उसे कैसे सिखाऊं? वो ऊपर का भी कुछ नहीं खाती, सिर्फ मेरा दूध पीती है, प्लीज़ हेल्प। देखिए ये बड़ी सिचुएशन बड़ी ख़राब आ जाती है कि बच्चा चम्मच या फिर बोतल से दूध नहीं पीता, कम्प्लीटली मदर फीड पर डिपेंड करता है, तो माँ के लिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि बच्चा हेल्दी नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं उसकी हो पाती है। तो आप देखिए जब भी बच्चे को भूख लगे तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी मत दीजिए, रोएगा, आपको दर्द होगा कि मेरा बच्चा रो रहा है और मैं उसे फीड नहीं करा रही हूँ, लेकिन आप अगर 2-3 दिन या हफ्ते भर भी अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लेंगी, नहीं मुझे अपने बच्चे के अंदर हैबिट ये डेवलप करनी है, तो उसके लिए आप अपनी फीड मत कराइए। आप उसे भूखा है तो भूखा थोड़ी देर रहने दीजिए, रो रहा है तो रोने दीजिए थोड़ी देर के लिए, शांत कराइए, फिर
आप उसको चम्मच कटोरी या छोटा, अभी गिलासे शायद वो नहीं पी पाएगा, तो आप चम्मच कटोरी से उसे पिलाइए। वो भूख में एक दो चम्मच पिएगा, फिर धीरे धीरे वो पीने लगेगा। जब भी ऐसा करे तब आप अपनी फीडिंग ना करा के उसे चम्मच कटोरी से ही पिलाइए। अगर छोटे छोटे बच्चों के लिए गिलास आते हैं, उससे बच्चा कंफर्टेबल है तो उससे पिला दीजिए और अच्छा है, ठीक है। अगर सिपर के थ्रू पी सकते हैं तो सिपर के थ्रू पिला दीजिए। तो आप अगर पहली प्रायोरिटी उन सबको दोगे तो वो आपकी तरफ इतना नहीं होगा। अगर भूख लग रही हो तुरंत आपने उसको अपनी फीडिंग करा दी तो वो नहीं पिएगा उसको। तो आपको थोड़ा अंदर अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर रो रहा है तो थोड़ी देर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बच्चा आपका गिलास से और चम्मच कटोरी से दूध पीने लग जाएगा। और बोतल से अगर आप हैबिट डलवाना चाहती हैं तो बोतल को मत स्टार्ट करवाइए, आप चम्मच कटोरी या गिलास से ही दूध पिलाइए। क्योंकि एक बार बोतल से बच्चे की हैबिट बन गई तो फिर उसको छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, तो हम वो काम करें ही नहीं, ठीक है, अगर आप बच्चे को दूध पिलाना चाहती हैं। दूसरी, अब आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा लिक्विड खाना दे सकते हैं। चावल का पानी दीजिए, दाल का पानी दीजिए, पतला पतला आप हलवा बना के दे सकती हैं। जो भी खाना दें वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, पतला। कुछ भी चीज़ दे रही हो मैश करके दें, प्यूरीज बना के दे सकती हैं। आराम से बच्चे प्यूरीज खा लेंगे, फ्रूट प्यूरीज खा सकते हैं। तो अब ये ज़रूर दें, तो इससे आपको भी हेल्प मिल जाएगी और आपके बच्चे को भी, और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ डेवलप करेगी। अगर आप ये सोचें कि मैंने कटोरी भर के बनाया तो वो मैं उसे फिनिश करा दूँ, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी आपके बच्चे की ईटिंग हैबिट डेवलप नहीं हुई है, ईटिंग हैबिट डेवलप करवाइए। थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करिए, एक एक दो दो चम्मच भी बच्चा खाएगा या पिएगा तो उसको फिर उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर वो खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए पहले बच्चे को खाने की आदत डलवाइए, फिर उसे खाना खिलाना आप शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति शर्मा। हेलो मैम, मेरा बेटा टू ईयर्स और 5 मंथ का हो गया है, वो अभी भी डूल करता है। पहले ही थोड़ा कम तो है हो गई है पर अभी बंद नहीं हुई है, क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, 2 साल का बच्चा अगर ड्रूल कर रहा है, वैसे अगर ड्रूलिंग करने से बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक तरह से विकास करने में, बच्चे के विकास के लिए भी हेल्पफुल होती है ड्रूलिंग। और हर मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे छोटा बच्चा है 3-4 महीने का, तो उसकी ड्रूलिंग थोड़ी अलग टाइप की होगी। अगर बच्चा 6 महीने का है तो उसकी ज़्यादा या कम हो सकती है, 1 साल का है तो ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चे के एज के अकॉर्डिंग भी ड्रूलिंग थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा 2 साल का हो गया है तो उसके टीथ भी कंप्लीट निकल आएंगे, जो मिल्क टीथ होते हैं वो भी बच्चे के निकल आए होंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि इन केस बच्चे का कोई दांत रह गया या दाँत रह गई है, तो अगर वो निकलने के प्रोसेस में तो बच्चा ड्रूल कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दूसरा, जो बच्चे में किसी किसी बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चे की होंठ है, मीन्स जो उसका माउथ है वो खुला रहता है, उसके लिप्स बंद नहीं होती हैं, जो नॉर्मली बच्चों के लिप्स बंद होते हैं। तो अगर बच्चे के होंठ खुले हुए रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चा ड्रूल कर सकता है। दूसरा, अगर बच्चे की जो जीभ है वो मोटी है, हैवी है, और कुछ भी चीज़ को निगलने में थोड़ी दिक्कत होती है या ठीक से निगलता नहीं है या निगलने में दिक्कत है, तब भी बच्चे को ड्रूलिंग हो सकती है। अगर जो उसकी फेस की मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, चीक्स की मसल्स में, तब भी बच्चे को ड्रूलिंग हो सकती है। या फिर नोज में कोई ब्लॉकेज है या कुछ प्रॉब्लम है, तब भी ड्रूलिंग हो सकती है। तो अगर 2 साल का बच्चा हो चुका है आपका और उसकी ड्रूलिंग वैसे ही हो रही है जैसे वो पहले करता था और कंटिन्यूटी में हो रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि कुछ फेस से रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़, लिप्स या टंग या फिर जो फेस चीक्स की मसल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चे के लिए, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत आराम से वो हो जाते हैं। और उसको करवाने के बाद वो बच्चे की ड्रूलिंग होना स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा करता रहेगा तो ये फिर बच्चे के लिए हानिकारक है, क्योंकि बच्चे का सलाइवा ख़त्म हो रहा है जिससे कि वो निगल कुछ भी फूड को निकलेगा। दूसरा, बच्चे को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। आप देखते हो बहुत ड्रूलिंग की वजह से यहाँ पर हर वक्त उसका पानी टपकता रहेगा, लार टपकती रहेगी, वो गर्दन गीली हो जाएगी, चेस्ट पर आ जाएगी, तो यहाँ पर पूरे पर रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड दाने निकल आते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो ऐसी कंडीशन ना आने दें, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट को इसको एक बार ही ज़रूर दिखा लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय शाही। हेलो मैम, मेरी
5 ईयर की बेबी है, वो बार बार पी कर देती है पैंट पर ही, शायद उसको पता ही नहीं चलता ये कौन सी बीमारी है। देखिए 5 साल का बच्चा है और तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए देखिए, मैंने अगर बच्चा बिस्तर गीला करता है या कपड़े में ही पी कर देता, अगर बच्चा बोलने लायक है और वो बिस्तर गीला कर देता है, बिस्तर पर टॉयलेट कर देता है या टॉयलेट पैंट में ही कर देता है, बताता नहीं है और कपड़ों में ही कर देता है, तो ये एक कंडीशन ठीक नहीं है। या तो बच्चे एक कंडीशन में करते हैं कि माँ से या पेरेंट्स से डरते हैं कि उसने टॉयलेट या पॉटी कर दी है, ये डर की वजह से नहीं बताते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा हेजिटेट होते हैं, या फिर ये प्रॉब्लम भी होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ के द्वारा इसको आप ठीक कर सकती हैं। इसके लिए आप आई बटन पर डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि बच्चा बार बार सुसु करता है या बिस्तर पे ही सुसु कर देता है। तो बहुत सारे मैंने होम रेमेडीज़ बता रखी हैं, वो आप करके देखेंगे तो आपके बच्चे की इस हैबिट में इम्प्रूव मिल जाएगा। और अगर आप चाहती हैं कि डॉक्टर से एडवाइस लेना, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर को दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफरीन बी। हेलो आफरीन मैम, बच्चों को टीका जो लगाते हैं बच्चों को ज़्यादा दर्द ना हो उसके लिए क्या करना है प्लीज़ मैम, मेरा फर्स्ट बच्चा है। देखिए जो वैक्सीन लगती है सर्दियों में, जब वैक्सीन लगती हैं तो हम बच्चे की आइस से जो सिकाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों को किसी किसी बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और वो इतना ठंडा होता है कि बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन इस टाइम आप क्या कर सकते हो, जब भी आप बच्चे को वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो वैक्सीन लगवाने से पहले खूब अच्छी तरह से अपनी फीडिंग कराएं, और लगवाने के बाद 15-20 मिनट बाद अपनी अच्छे से फीडिंग कराएं, जितना हो सकता है अपनी ही फीडिंग कराएं। दूसरा, आप आइस क्यूब से बच्चे की उस एरिया पर जहाँ पर वैक्सीन लगी है वहाँ पर आप सिकाई करते हैं, आपको तब तक करनी है जब तक कि जो गांठ होती है वो घुल ना जाए। अगर आपने एक दो दिन करके छोड़ दी तो वो गांठ बन जाएगी और बच्चे के लिए वो हमेशा दर्द भरी रहेगी। तो वहाँ पर आप वैक्सीन वाली एरिया पर सिकाई करते रहें, जितना हो सकता है बच्चे को लिक्विड दें, जितना आप लिक्विड देंगे बच्चे को आराम मिल जाएगा। वैक्सीन के साथ ही कुछ डॉक्टर बच्चे के दर्द को कम करने के लिए या फीवर आ जाता है उसके लिए कुछ सस्पेंशन जैसे पैरासीटामोल सस्पेंशन देती हैं और भी दवाई देती हैं, तो उससे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बच्चे को। लेकिन हाँ, एक दो दिन बच्चा आपको ज़रूर परेशान करेगा, उसके सर में दर्द रहेगा, बच्चे को लूज मोशन भी हो सकती है या फिर बच्चे को बहुत तेज़ फीवर आ सकता है। तो ऐसा अगर हो जाए तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये सक्सेसफुल वैक्सीन के लक्षण होते हैं कि हाँ वैक्सीन सक्सेसफुल रहा। तो इसमें आप घबराइए मत, ये दर्द तो हर बच्चे को सहन करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से इस तरह से एफर्ट्स कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम चौहान। मैम मेरी बेटी 7 महीने की है, उसका पेट फूला सा रहता है, मैं क्या करूँ, वो कुछ भी खाने के बाद वॉमिट कर देती है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए 7 महीने का बच्चा पेट फूला रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की टम्मी की मसाज करें, हल्के हल्के हाथों से बच्चे की टम्मी की ज़रूर मसाज करें, क्लॉकवाइज धीरे धीरे फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चे का पेट है वो नरम रहेगा और गैस बाहर निकल जाएगी। आप बच्चा जब सो जाता है तो उसकी नाभि के चारों तरफ हींग का लेप लगा सकती है, तो उससे उसकी गैस पास हो जाएगी। साथ ही आप कभी कभार एक दो दिन बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा ग्राइप वाटर दे सकती हैं, उससे उसकी पेट की समस्या हो जाएगी। और जो उसकी वॉमिट करने की वो प्रॉब्लम है, आप बच्चे को जब भी फीड कराते हो तो फीड कराने के बाद, चाहे आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, बफेलो मिल्क या काओ मिल्क या अपनी फीडिंग, बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाएं। अगर आप डकार दिलवाओगे तो उससे बच्चे का जो दूध है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और वो दूध को बाहर नहीं निकालेगा, वॉमिट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया, आप ग्राइप वाटर देंगे या डकार दिलवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसका पेट भी सही रहेगा, फूला फूला नहीं रहेगा, तो आप ऐसा कर सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मेरी बेबी अभी 7 डेज़ की है, अभी उसका बर्थ हुआ है, तब वो ठीक थी, कलर में रेड थी थोड़ी बहुत, नाउ उसका कलर 6 डेज़ में ही और डार्क हो गया है, लिप्स का कलर भी, तो लिप्स मुझे सजेस्ट करें कैसे ठीक होगा। तो माय डियर, देखिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का वेट भी कम हो जाता है, यानी वजन कम हो जाता है, बच्चे का कलर चेंज होता रहेगा, बच्चे के लिप्स भी काले पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूध पिएगा, दूध पीने के बाद जो बच्चे माँ का दूध चिपका रह जाता है उससे बच्चे के होंठ काले पड़ जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें आप बिल्कुल मत घबराइए, और प्लीज़ कोई एक्सपेरिमेंट अभी करना मत स्टार्ट कर देना कि बच्चे का कलर डार्क हो गया तो मैं कुछ भी अप्लाई करना लग जाऊँ। नहीं, बच्चे को स्किन को ख़राब आप कर देंगी, तो अभी कुछ मत करें जब तक कि आपका बच्चा 3-4 महीने का नहीं हो जाता। धीरे धीरे वो जब डेली नहाएगा, शावर लेगा और उसके ठीक से खाएगा पिएगा, ग्रोथ करेगा, तो उसका कलर अपने आप फेयर हो जाएगा। ये बच्चों में बहुत कॉमन है, ऐसा होता है। बच्चे को फीड कराने के बाद उसके होंठ सफ़ेद, आप सफ़ेद नहीं सॉरी, कोई भी रेड कॉटन का कपड़ा ले लें, साफ़ सुथरा, या सिंपल कॉटन ले लें। उससे बच्चे के दूध पीने के बाद उसे पोंछ दें, होठों को हल्का गुनगुना, कोई आपके पास पानी रखें बच्चे को, और उससे बच्चे के होठों को आप अच्छी तरह से पोंछ दें। और फीड कराने के बाद दूसरा, आप ही बच्चे के चेहरे पर या स्किन पर कुछ भी मत लगाइएगा, बच्चे को नेचुरल बात दीजिए। जब भी आप दें, स्पंज करना चाहें तो स्पंज करें, ऐसा आप कर सकती हैं। कुछ दिन बाद बच्चे का कलर अपने आप सही हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही हो रहा, तब आप होम रेमेडीज अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वो भी आप दूसरे या तीसरे महीने जब शुरू हो जाए तब करना। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकती हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो माय डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।